नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने का एरियर हुआ कन्फर्म। 3 किस्तों में मिलेंगे 2,18,000 रुपये। तो दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर कब मिलेगा, उनके खाते में पैसे कब आएंगे, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सितंबर के बाद नवंबर में भी खुशखबरी मिल सकती है। इस बार सरकारी कर्मचारियों के 18 महीने से अटके महंगाई भत्ते के एरियर पर बातचीत होनी है। इसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ बातचीत का समय तय हो चुका है। कर्मचारी और पेंशनर यूनियन के प्रतिनिधि कैबिनेट सेक्रेटरी से मुलाकात के दौरान बकाए के भुगतान की गुजारिश करेंगे। सरकार 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान पर सहमति होगी या नहीं होगी, इस कैबिनेट बैठक के बाद पता चलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पर अभी तक स्थिति इसलिए साफ नहीं हो पाई है क्योंकि सरकार 18 महीने के डीए के लिए पहले ही मना कर चुकी थी, लेकिन एक बार फिर बातचीत का समय मिलने पर कर्मचारियों के बीच इसको लेकर उम्मीद बढ़ गई है। पेंशनर और कर्मचारी यूनियन के दबाव पर कैबिनेट सेक्रेटरी ने इस मामले पर बातचीत के लिए समय मुकर्रर किया है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारी का जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 3 किस्तों में डीए नहीं मिल पाया था। साथ ही सरकार की तरफ से इसके दौरान 11% डीए बढ़ाया था, लेकिन इसके भुगतान को फ्रीज कर दिया गया था। लॉकडाउन खुलने के बाद सरकार ने फ्रीज डीए से रोक हटाई, तब जुलाई 2021 के बाद बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया गया, लेकिन जनवरी 2020 से जून 2021 तक की 18 महीने की अवधि का कर्मचारियों को पैसा नहीं मिला। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी का कहना है कि यह उनका हक है, सरकार को पैसा नहीं रोकना चाहिए था। महंगाई भत्ते के एरियर की डिमांड को लेकर कर्मचारियों ने अदालत में भी अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस पर विचार करने के लिए कहा था। अदालत ने कहा था कि यह कर्मचारियों का हक है, इसे फ्रीज कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। पेंशनर ने अपने डीआर एरियर को लेकर पीएम मोदी से भी अपील की थी। दोस्तों, यदि केंद्रीय कर्मचारियों को डीए का बकाया पैसा मिलता है तो अच्छी खासी रकम उनके खाते में आएगी। एक अनुमान के मुताबिक लेवल 3 पर कर्मचारी के डीए एरियर 11,880 रुपये से 37,554 रुपये के बीच में बनता है। लेवल 13 या 14 के लिए कर्मचारी का एरियर 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये के बीच हो सकता है। हालांकि सरकार के साथ इसकी बातचीत से सेटलमेंट हो सकता है, ऐसी स्थिति में आंकड़ा बदल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।